जय हिंद साथियों, मैं पप्पू कुमार, सब फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंजीनियरिंग चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमारी रनिंग जो निकल जाती है, रनिंग कर एक्सलेंट मारने के बाद से हमारी चेस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, कम पड़ने के कारण क्या होता है, इंडियन आर्मी वाले छांट देते हैं। यही कारण क्यों कारण होता है कि जब हम रनिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी चेस्ट जो क्या होता है सूखने लगती है। जब हमारी क्या एनर्जी होती है ना, हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे शरीर को क्या होता है सुखाने लगते हैं, हमारा गाल पचक जाता है। ऐसे करने से क्या बोलते हैं, हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं हड्डीज में कट्स निकलने लगता है, क्योंकि हमारा जो मांस होता है वो सूखने लगता है, शरीर में जो पानी होता है वो सूखने लगता है रनिंग करने से। इसी कारण क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट होती है वो कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी क्या होता है बच्चे जब रनिंग निकालने के बाद भी सड़ जाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तीन एक्सरसाइज बताऊंगा। तीन एक्सरसाइज करने से आपकी जो चेस्ट होगी वो प्रॉपर क्या होगी, पंप कर जाएगी, और पंप करने के बाद आप जो है चेस्ट में नहीं छटिएगा। बहुत सारे बच्चों का जो चेस्ट होता है चुस्त तो होता है, लेकिन उनका क्या होता है चेस्ट फूलता भी नहीं। इससे क्या होता है कि चेस्ट आपका फूलता क्यों नहीं, वो भी मैं बातें यहाँ पर शेयर करूँगा। सबसे पहले एक्सरसाइज क्यों चलते हैं। पहली जो एक्सरसाइज दोस्तों करना ये है कि आपको क्या करना है, ऐसे दो रो में लेना है, लेने के बाद क्या करना है, पोजिशन जैसे सब कोई चेस्ट मारता है, क्या करना है इसको हाफ ले जाना है, ठीक है। हाफ का मतलब आप समझते हैं सब कोई, हाफ बस यहाँ हाफ तक ले जाना है। कितना मारना है, 10। दोस्तों हाफ पे होल्ड करना है 5 सेकेंड ऐसे, और फिर हाफ के बाद से हाफ अंदर जाना है 10 बार, हाफ पे रुक जाना है। फिर आप पे होल्ड कर लेना है, फिर ऊपर आना है, अब फुल मारना है 10, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो चेस्ट होगी वो एकदम निखर के आ चुकी है। हम फुलाएंगे अपने चेस्ट को, जैसे नॉर्मल चेस्ट है जैसे नॉर्मल हम रखे हुए हैं, और इंडियन आर्मी बोलेगा कि जैसे नापने का कार्य करता है वो यहाँ से हमारे निप्पल के पास से होकर नापने का काम करता है, ठीक है। इसको फुलाना है, जैसे सांस को पूरा छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, नॉर्मल चेस्ट उसका फुलाना है। ऐसे जब फूलेगी उसके बाद फुलाने के वास्ते आप क्या करते हैं, और भी फुला सकते हैं। ऐसे जब पंप हो जाएगा हमारी चेस्ट क्या होगी, निखर के आएगी दोस्तों। ऐसे क्या होगा, हमारा बैक पेन जो बैक होगा, ऐसे हमारा जो बैक है ना, इससे भी असर पड़ेगा हाफ मारने से, और इस पर भी हमारा क्या होगा असर पड़ेगा, जैसे लोअर और मिडिल दोनों हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा कोर। इससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी होगी, ब्रेथ होगी यहाँ से फुलाने की, जैसे सांस लेने की, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और चेस्ट मारने से दो फायदे होते हैं कि हमारी चेस्ट क्या होगी, निखर के आएगी दोस्तों। सांस वाली बात वो क्लियर हो गई, और हमारा जो चेस्ट होगा और निखर के आएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, और पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।